अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 फर्स्ट पब्लिक रन, चलिए मिलके देखते हैं ये अहमदाबाद मेट्रो का फर्स्ट रन कैसा हुआ था। मिलके देखते हैं ये जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रेक। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन तो प्रेस करना मत ही भूलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वो क्या बात है, ये क्या स्टेशन, क्या क्या नजारा है, वाह। अगला एक ही कांटा शाहपुर ओल्ड हाईकोर्ट, जो कि इंटरचेंज स्टेशन में होने वाला है, इसको एसपी। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम, केम छो अहमदाबाद। सर्वप्रथम आप सर्वे गुजराती भाई बहनों ने आ न्यू मेट्रो लाइन अहमदाबाद वाली खूब खूब अभिनंदन। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं अहमदाबाद की मेट्रो में, और हम जर्नी करने वाले हैं कालूपुर स्टेशन से, जाएंगे हम थालतेज गांव। जैसा आपको पता ही है कि 30 सितंबर 2022 को मोदी जी के द्वारा इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया गया, और यहां से बहुत दूरदर्शन मेट्रो स्टेशन तक ट्रेवल किए थे। लेकिन आज हम यात्रा करने वाले हैं फर्स्ट टाइम इस मेट्रो में, आज से यानी कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इस मेट्रो को पब्लिक के लिए यानी मेरे और आपके लिए खोल दिया गया है। तो अभी गार्ड साहब से पता किया तो उन्होंने बताया कि 20 मिनट है ना इस मेट्रो का इंटरवल रहता है, यानी कि 20-20 मिनट पे मेट्रो आती है, और इसकी टॉप स्पीड जो रहने वाली है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब स्टेशन के अंदर चलते हैं। स्टेशन तो अभी भी सजा हुआ है, जब मोदी जी आए थे 2 दिनों पहले तो भी स्टेशन सजा हुआ था, स्टेशन आज भी सजा हुआ है। स्टेशन के अंदर एंट्री लेते हैं और चलते हैं मेट्रो के अंदर। लोगों से बात भी करते हैं, देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है पहली बार मेट्रो में यात्रा करने के, और लोग ऑलरेडी सफर करना स्टार्ट कर चुके हैं। हमने ले लिए काउंटर से और अब चलते हैं अंदर। 15 रुपीज एक टिकट था। आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चालू हुआ है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अभी चालू नहीं हुआ फिलहाल, और टिकट हमने ले ली है 15 रुपीज। मैंने आपको बताया 20 मिनट मेट्रो का टाइम है, और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। आप मेरे इधर देख सकते हैं ना, पब्लिक जो है पूरी एक्साइटेड है, और मेट्रो की जो सर्विस है अहमदाबाद वासियों के लिए ये एक मैं कह सकता हूँ सौगात होने वाली है। आने वाले टाइम में शायद इसको थोड़ा इंप्रूव किया जाए, फिलहाल तो मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि 15-20 मिनट फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है। फिलहाल अंदर चलते हैं, टोकन हमने ले लिया है, और देखते हैं कि कैसे सारे इंतजाम है। और कालूपुर रेलवे स्टेशन से तो कनेक्टेड है ही, साथ साथ आप देख सकते हैं एंट्रेंस टू हाई स्पीड रेल, यानी कि बुलेट ट्रेन का रास्ता यहीं से जाएगा। फिलहाल यहाँ पे लोहा पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक पूरा जो है ना पोस्टर लगाया हुआ है, इस पोस्टर को हटा दिया जाएगा, और यहीं से आपको बुलेट ट्रेन के लिए जाना होगा। और ये जो स्टेशन है कालूपुर मेट्रो स्टेशन, ये इंडियन रेलवे से तो वेल कनेक्टेड है, अहमदाबाद जंक्शन यानी कि कालूपुर रेलवे स्टेशन और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी इस मेट्रो स्टेशन से जुड़ जाएगा। इतना बड़ा है यार, क्या माल, एयरपोर्ट ही लग रहा है, पाकिस्तान में होगा एयरपोर्ट,75वां
जो आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, देश में चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है कालीसीधा चलते हैं नीचे वर्ड्स थाल तेज गांव आप देख सकते हैं। दूसरी साइड है वस्त्राल गांव, यानी कि वस्त्राल गांव की साइड वो हो गया। और दो नंबर प्लेटफॉर्म से हम जाएंगे टू वर्ड्स दी थाल तेज गांव। और प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन डोर्स आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म में कितने बड़े बड़े स्क्रीन डोर्स लगे, यानी कि क्लास मेट्रो है ये, अहमदाबाद की मेट्रो मैं ये कह सकता हूँ। स्क्रीन डोर्स वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हैं, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास मेट्रो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लिफ्ट, एस्केलेटर्स, डिसेबल्ड जो पर्सनली डिसेबल्ड है उनके लिए भी प्रॉपर सुविधाएं हैं। और अभी टाइम आप देख सकते हैं 9:43, देखते हैं कि कितनी देर हमें वेट करने के बाद मेट्रो मिलती है। इससे हमें मेट्रो की फ्रीक्वेंसी का भी थोड़ा मोड़ा अंदाजा हो जाएगा। और आने वाले समय में जब ये सारी मेट्रो चल जाएगी, फेज वन, फेज टू, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो पूरा ऑपरेशन और भी विस्तार किया जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि अहमदाबाद के लिए ये जो है मेट्रो काफी अच्छी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि मेट्रो आप तो जानते हैं कि साफ सफाई के मामले में, पंक्चुअलिटी के मामले में सबसे अच्छी रहती है। मेरे साथ यहाँ पे है एक सर, है पैसेंजर है। सर आपका क्या नाम है? महेंद्र भाई जोशी। महेंद्र भाई जोशी, आप यहीं से अहमदाबाद से हैं? अहमदाबाद का हूं। सर मेट्रो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज पहला दिन है इसको ओपन किया गया, अद्भुत एक्सपीरियंस। और यहाँ पे स्टेशन पर सारी सुविधा है, आपको कैसी लगती है? क्या ये वर्ल्ड क्लास है? वर्ल्ड क्लास है, ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन में घूम रहे हैं। जैसा सर ने बताया अभी कि जो है ना टॉयलेट वगैरह की सुविधा है, वर्ल्ड क्लास मेट्रो। और वाकई में जो है अहमदाबाद के लोग, अहमदाबाद वासी काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं इस मेट्रो में यात्रा करने के लिए। हम अभी ब्लू लाइन पे हैं, तो ब्लू लाइन पे आप देख सकते हैं कि वस्त्राल गांव से ये मेट्रो स्टार्ट होती है। उसके बाद ये कुछ ऐसा इसका रूट है अपैरल पार्क। और हम अभी यहाँ पर हैं कालूपुर रेलवे स्टेशन। इसके बाद यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे थाल तेज गांव, जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन। और मोदी जी ने जो यात्रा की थी 30 तारीख को, वो यहाँ तक की थी, दूरदर्शन केंद्र तक। और उन्होंने स्टार्ट किया था यही कालपुर रेलवे स्टेशन से। ये है ब्लू लाइन और ऊपर नॉर्थ साउथ इंटरचेंज, इसका होगा ओल्ड हाई कोर्ट पे। और टुवर्ड्स मोटेरा से एपीएमसी ये चलने वाली है, रेड लाइन जो कि होगी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फिलहाल इसको खोला नहीं गया। यहाँ पे डिस्प्ले आप देख सकते हैं, हम चलने लगा है थाल तेज। कोचेस हैं तीन, प्लेटफॉर्म नंबर दो पे आ रही है और 3 मिनट में आने वाली है हमारी मेट्रो। क्या बात है जी, देखो पाकिस्तानियों, इसको कहते हैं मेट्रो, इसको कहते हैं तरक्की। देखो तो 10:03 पे हमारी ट्रेन आई, 9:43, यानी कि 20 मिनट का इंतजार करने के बाद ट्रेन टू वर्क थाल तेज अभी निकल चुके। भाई 20 मिनट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, मतलब 20 मिनट अगर आपको ट्रेन मिल रही है तो ये बिल्कुल सही है। अभी आने वाले समय में जैसे मेट्रो की सर्विस आगे बढ़ाई जाएगी, ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो ये टाइम भी कम होने वाला है, आई एम श्योर। फिलहाल हम हैं कालूपुर मेट्रो स्टेशन से हम चले, अगला एक ही कांटा शाहपुर, ओल्ड हाईकोर्ट जो कि इंटरचेंज स्टेशन भी होने वाला है, इसके बाद एस पी स्टेडियम, कॉमर्स यूनिवर्सिटी, गुरुकुल रोड, दूरदर्शन केंद्र और थाल तेज जो कि हमारा आज का लास्ट स्टॉप होने वाला है। और अब ये स्टेशन जो आप देख रहे हैं घी कांटा रेलवे स्टेशन, अंदर से देखते हैं कि डोर्स कैसे खुलने वाले हैं। थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्या हर एक स्टेशन से बढ़ कर जय मोदी मोदी मोदी, क्या हुआ रे? लास्ट
अंडरग्राउंड स्टेशन की बात की जाए तो भाई 6 टोटल अंडरग्राउंड स्टेशन है, बाकी स्टेशन जो एलिवेटेड यानी कि ऊपर है। लोग कितने खुश है, स्टेशन देखेंगे। अहमदाबाद भी खूबसूरत है, हर किसी को अपना इलाका प्यारा है, जो जहाँ रहता है ना उसे जो डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, वो तो एक्स्ट्रा लाइन, ये जो आप एक्स्ट्रा लाइन दे रहे हैं ना, यहाँ से आता है ट्रेन को पावर और ओवरहेड वायर से ट्रेन को पावर नहीं मिलता है, तो लाइन के साथ ही ये आई थर्ड लाइन पावर सिस्टम है, अहमदाबाद मेट्रो में यहाँ से मेट्रो से तो अहमदाबाद शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अहमदाबाद में ऐसी मीटिंग में सब प्रॉब्लम नहीं है, मेट्रो का सफ़र बोर नहीं करेगा, बाइक का व्यूज़ भी अच्छा है और मेट्रो के अंदर तो गपशप लग रही है, एक अलग ही तरह का माहौल है। अंडरग्राउंड ज़्यादा खूबसूरत है ना, जगह मिल जाती है। देवाराम प्रजापति कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम पर आया? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। काम के लिए कि और रिक्वायरमेंट अभी और चाहिए, मतलब कम है अभी तो चालू होगा, फिर धीरे धीरे पता चलेगा, ट्रैफिक की समस्या इससे क्या हल हो जाएगी थोड़ी, थोड़ा क्या है सब, मतलब जो टाइमिंग रहता है वो मतलब बच जाएगा लोगों का, ट्रैफिक बहुत है अहमदाबाद के, ट्रैफिक के लिए मेट्रो बेस्ट ऑप्शन है। अभी सर ने भी बताया कि जो मेट्रो के चलने से यार देखो जो रोड का कंजेशन रहता है, ट्रैफिक रहता है, वो तो कम हो जाएगा, और जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी अहमदाबाद और मेट्रो जैसे की जैसे पटरियाँ बिछेंगी मेट्रो चलने, तो अहमदाबाद का जो ट्रैफिक है लोगों के लिए काफ़ी आरामदायक हो जाएगा, और सबसे अच्छी बात है कि सस्ती में साफ सुथरी और बेहतर सुविधा है कि नहीं? सबसे सस्ता है, सुविधा तो है, ए सी मेट्रो है भाई, और जो है टाइम आपका बचा है, साफ सुथरी रहती है, क्योंकि बी आर टी एस अगर बस की बात की जाए तो उससे तो भाई काफ़ी अच्छी, बी आर टी एस से बहुत बढ़िया है, बी आर टी एस से बहुत बढ़िया, बी आर टी एस का सफर ही नहीं किया, सफर नहीं किया मैंने अभी अभी, बी आर टी एस का सफर किया तो मैं बता सकता हूँ कि बी आर टी एस से तो बहुत अच्छी सुविधा है। भैया मोदी जी ने तो गुजरात का देखे ना क्या हाल कर दिया, उसे बातों बातों में आगे ले जाना यार, हर जगह बिल्डिंग स्टेशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कैमरे यहाँ पे लेके कवरेज तो पूरी अच्छी तरीके से की जा रही है, दूरदर्शन केंद्र यहीं तक मोदी जी ने यात्रा की थी 30 सितंबर को, यानी कि बस 2 दिनों पहले, और दूरदर्शन केंद्र है, इसके बाद आखिरी स्टॉप आने वाला है थर्ड स्टेज, और यहीं पे सारा इंतजाम किया था, आपसे इंतजाम किया गया था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरा टेंट था मोदी जी के भाषण के लिए लगाया गया था उसको भी हटाया जा रहा है यहाँ से, निकल चुके हैं अगला स्टेशन यानी कि अंतिम स्टेशन, हम बस पहुँचने वाले हैं थल तेज, और भाई मेट्रो का एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, मज़ा आया, और क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है आपका, मज़ा आ रहा है, दोस्तों लास्ट स्टेशन यानी कि थल तेज हम पहुंच चुके हैं, टोटल टाइम हमें लगा वहां से 25 से 30 मिनट का टाइम लगा है हमें कालूपुर से थल तेज स्टेशन आने में, और टोटल अगर
बात की जाए एक्सपीरियंस की तो भाई इससे अच्छी सुविधा तो और कुछ नहीं है भाई, वर्ल्ड क्लास सुविधा आपको मिल रही है अहमदाबाद के अंदर मेट्रो की। और अभी ये फ्रीक्वेंसी आई एम श्योर की बढ़ाई जाएगी जैसे जैसे और मेट्रो आती जाएंगी, तो ये आपको टाइम फ्रीक्वेंसी जो है इसमें भी ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना मेट्रो लाइन के आगे बैरिकेड लगाए हुए, इसके आगे मेट्रो अभी नहीं चलेगी रेड लाइन। और इधर से हमारी जो जर्नी थी इस मेट्रो की यहीं तक होने वाली थी। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा अहमदाबाद मेट्रो का। और मेट्रो में जो सुविधाएँ हैं, टॉयलेट वगैरह की सुविधा है, सुविधा तो भाई सारी है, वर्ल्ड क्लास सुविधा है। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जय जिनेंद्र। क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग था भाई का। और अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन का जब इफ्तिताह हुआ, जब उन्होंने चालू किया उसको, तब का उनका वीडियो है और आई थिंक अगस्त से पहले का ही है क्योंकि आज़ादी का अमृत वो इस दफ़ा ही दिया गया था इंडिया की तरफ से, और वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और उससे पहले की ये वीडियो, और बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग मेट्रो स्टेशन, और हर एक जगह साफ़ सुथरी और बड़े लोग आराम से वहाँ पे जा रहे हैं, कोई भीड़ नहीं, कोई बेहंगम चीज़ें नज़र नहीं आई। और वर्ल्ड क्लास मेट्रो स्टेशन था अहमदाबाद का, और व्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त बनाया भाई। और ख़ास करके लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो और ज़्यादा व्लॉग मज़ेदार हो जाता है, और जब उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हम लोगों के साथ तो नया मेट्रो स्टेशन है, लोग तो खुश हैं ही, क्योंकि ये इंडिया की तरक्की में जो मेट्रो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है। इससे जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिल रही है। वो भाई कह रहे थे ना कि ट्रैफिक जो है इधर अहमदाबाद में ट्रैफिक का बहुत मसला है, यानी कि ट्रैफिक ज्यादा है इसे हर बड़े शहर में ट्रैफिक का वहाँ पे मसला है। और ये हर देखिए, हम अगर लाहौर में जाएं और कहीं गलती से अंदरूने लाहौर में इन हो जाएं तो 2 से 3 घंटे आप सर दर्द शुरू हो जाएगा, वहां से निकल नहीं पाएंगे। तो वजह क्या है कि वहाँ पे ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं, और इतनी ज्यादा वहाँ पे ट्रैफिक होती है कि फंसना तो फंसना ही है। और कहीं अगर निकल गए हैं ना तो वो कोई मौजज़ा ही होता है कि आप निकल गए हैं। तकरीबन हर दफ़ा ऐसा ही होता है, ऐसे ही बड़े शहरों में आप देखें, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कुछ और जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिल रही है। आप देखें पिछले दिनों जो व्लॉग था इब्रार भाई का, वो भी बता रहे थे जैसे ही वो मेट्रो से, दिल्ली मेट्रो से निकल के बाहर सड़क पे आए तो वहाँ पे वो बुरा हाल था ट्रैफिक का, और समझ आ सकती थी कि यहाँ पे लोग किस तरह से सफ़र करते होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। अब हर जगह पे जहाँ मेट्रो बनेगी तो लोगों के लिए आसानियाँ तो होगी। बिल्कुल जी, जब देखें इतना बड़ा शहर होता है, शहर की इतनी बड़ी आबादी, जब जो संख्या है वो करोड़ों तक पहुंच जाती है, तो फिर वहाँ पे ऐसे मसाइल जो ट्रैफिक हैं वो तो होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऐसी सहूलियात मुहैया करती हैं ताकि लोगों की जिंदगी के अंदर आसानियां पैदा देते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना, वो जो है ना कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है वो खड्डे खोद दिए जाते हैं, उल्टा जो है ना वो लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं। और क्या होता है कि वो कहते हैं कि यार ये कौन सा प्रोजेक्ट है, एक गवर्नमेंट जो आती है वो शुरू करती है और उस गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, अगली आके वहाँ पे जो है ना वो उस खड्डे को वही पड़ा रहती है, अपने नाम का नया खड्डा खोद देती है, जी ये मैंने शुरू किया, वो खड्डा वही का वही रह गया, दूसरा खड्डा खोद दिया। तो सारे जो है ना पाकिस्तान में खड्डे खोदने में लगे हुए हैं, लेकिन चीज ये है गवर्नमेंट का काम ये होता है, बिल्कुल अपनी आवाम की जिंदगी के अंदर जो है ना सहूलियत। लेकिन ये है, इंडिया में नजर आता है कि जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, दूसरी गवर्नमेंट आके उनको पूरा जरूर करती है। आप देखिए मोदी जी की मैंने बहुत सारी तकरीरें ऐसी सुनी है, उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट लगा तो हम रहे हैं, अगर हम इसको मुकम्मल ना पाए तो ये दूसरी हुकूमत भी करेगी, अगर हम ना हुए तो, लेकिन हमारी आवाम उससे फायदा जरूर उठाएगी। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही सिस्टम होता है, चाहे जितना पैसा मर्जी बर्बाद हो जाए,
पैसा भी यहाँ पे मांगे तांगे का होता है, लेकिन बर्बाद करने में भी हम सबसे आगे हैं। सारे प्रोजेक्ट मुंबल नहीं होते, उनकी कॉस्ट जो है वो 10 गुना बढ़ जाती है। अगर जिस वक्त हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए हैं, जो कुछ चंद किए हुए हैं, अगर उस वक्त मुकम्मल हो जाते हैं अपने मुद्दत के अंदर, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम होनी थी, आज बहुत ज्यादा फायदा होता पाकिस्तान को। लेकिन वो मुकम्मल भी नहीं हुए, उसमें करप्शन भी हो गई, और वो आज उनकी कॉस्ट जो है वो 10 गुना तक बढ़ चुकी है। और यही चीजें होती है आवाम की जो चले जी छोड़े, हमारे तो मसाइल ऐसे ही रहेंगे, तो चलते ही रहेंगे। मसाइल तो ऐसे हैं, लेकिन इनसे हमें सीखना भी तो चाहिए ना, हमारे हुक्मरानों को भी कुछ। यार ये देखो ना, ये फॉर एग्जाम्पल हम ये वीडियो देख रहे हैं, क्या हमारे से नए लीडर ये वीडियो देख रहे होंगे? नहीं, वो ऐसी चीजें नहीं देखते। वो देखते हैं गुजरात में मुसलमानों को कितना खून बहा दिया गया, मणिपुर में ये हो गया, ये हो गया, और कर्फ्यू लग गया यहाँ, और मुसलमानों को तो जीने का हक नहीं मिला। उधर अंडरग्राउंड जो उनके स्टेशन थे ना, जब वो उधर नीचे जा रहे थे ना भाई, तो ऐसा लग रहा था ये किसी यूरोप मालिक का जो है ना, ये रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल किसी एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। जब उन्होंने अंदर एंट्री कर ली थी ना, तभी ऐसे लग रहा था साइडों से कि जैसे वो जो है ना किसी एयरपोर्ट का हिस्सा है। तो देखिए कि वहाँ पे जो उन्होंने साइडों के ऊपर जो अपनी हिस्ट्री को जो सुबोया हुआ बहुत जबरदस्त, जो ये देखिए उन्होंने खूबसूरती पे बड़ा काम किया है, और बहुत ही जबरदस्त है, लाइटिंग ऐसे थी वो भाई चमक रहे। सर यही चीजें होती, यही अपॉर्चुनिटी होती है, आप आने वाली नस्लों को दिखा रहे होते कि हमारी हिस्ट्री ये है, हमारे हीरोज ये है, ये हमारे। आप देखें अक्सर आप देखें कि वहाँ पे जो है ना, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, उनका जो स्टैचू है, उसकी तस्वीर देखिए। अगर हम हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करें तो हमारे हीरो भी यही हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन जैसे लोग, क्योंकि हम एक ही थे एक टाइम पे। लेकिन हम जैसे ही ये तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ, और जैसे ही मजहबी मुनाफरत हम में डाली गई, तो हमने अपने हीरोज को कैसे हीरो पे डाल सकते हैं, उनको हमारे लिए हाँ तो विलन बना के पेश किया गया। ये देखे, ये कोई तुर्की का हमने हीरो बना लिया है, कोई हमने सऊदी अरेबिया का हीरो बना लिया है, कोई हमने यमन का, कोई मिस्र का, कोई अफगानिस्तान का, और जितने भी ऐसे रहे हैं। और हमारा अपना अगर कोई हीरो है तो हम उनकी कदर नहीं की, और हमारे लिए विलन बना दिया। आप देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कसम पुरसी की जिंदगी गुजार के गए अपने आखिरी अयाम में, और वो एक इंटरव्यू में देखा कि वो सड़क पे फुटपाथ पे बैठ के इतनी सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि यकीन करें मुझे दुख होता है कि मैंने इस पाकिस्तान को न्यूक्लियर एटमी पावर दी, और मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ये सलूक होना है ये सब होने के बाद, तो शायद मैं वो काम ना करता। लेकिन आई होप ये चीजें पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से तो मसला रहा है, हमने कभी अपने हीरोज को हीरो समझा ही नहीं। अब देखिए हमारे कुछ ऐसे पुरतोश मौलाना साहब होते हैं, अब राजा रंजीत सिंह का मुजस्मा लगाया गया था आई थिंक लाहौर में, और उसको किसी ने मौलाना साहब ने गए वहां पे विजिट करने और उसको तोड़ दिया। तो जानते नहीं है आप लोग हिस्ट्री को। कल मेरी एक मौलाना साहब से बहस हो गई हमारी फैक्ट्री में, तो मेरे अंडर कुछ वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, और मैं उनको बता रहा था कि जो एक्सपीरियंस है, अब खुल के बात होती है इंडिया पाकिस्तान हम जो रिलेशंस है, और वो वहाँ पे कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कश्मीर पे कितना। मैंने कहा मौलाना साहब आप मुझे ये बता दें कि कश्मीर का असल में मसला है क्या, क्या वजह ऐसी थी कि कश्मीर और ये पाकिस्तान और भारत का मसला बन गया? तो ये चीज़ उसको बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं थी। मैं कहा लेकिन आपको वजह ही नहीं पता तो आप उस पर क्यों इतनी बहस करते हैं और लोगों को उकसाते हैं, और आपने दाढ़ी भी रखी हुई है, आपने दाढ़ी रखी हुई तो लोग समझते हैं कि ये बंदा सच ही बोलेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पहले उसकी हिस्ट्री को जानें, समझें, पढ़े, और फिर लोगों से बात करें उसके बारे में कि हकीकत में बात क्या है। तो बड़ी सारी खराबियां हैं जी हमारे मुआशरे में, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन ठीक करने के लिए बात से बात निकलेगी तो ही ठीक होगा। देखें और ठीक करने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ये बिल्कुल ऐसी हां सिखाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को समझाने के लिए कि भाई ये हमारी हिस्ट्री है, और हमने इस तरीके से यहाँ से हम चले थे, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और उसके अंदर हमने क्या खोया क्या पाया है। चले जी बहुत ही जबरदस्त था मेट्रो का वीडियो, हम मेट्रो के वीडियो को कहीं और ही ले, हमारी भी अपनी मजबूरियां है। चले जी आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, और उस पर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो भी लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।